क्या नाम है आपका? पलक यादव। पलक, और आपका? शिवानी पटेल। जूली। देखो ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आंसर नहीं पता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखने को मिल रहा है ना हमें। हाँ, तो क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद ने या फिर गुरु हरिहर ने? गुरु गोविंद ने। गुरु गोविंद ने। यस सर, बिल्कुल सही आंसर है, क्लैपिंग कर दो। क्या नाम है? आस्था त्रिपाठी। आस्था, और आपका? अचल मौर्य। अनुष्का सिंह। अनुष्का, क्लास 10th में हो ना? हाँ। देखो बहुत बढ़िया, अच्छे नंबर से पास होना है, फर्स्ट आना है इस बार, है कि नहीं? हाँ। इस बार क्या पहली बार ही है? और हाँ, इस बार मैंने बोल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए है, आप लोग मुझे बताओ कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स का समय चल रहा था या फिर रॉबर्ट क्लाइव का? वारेन हेस्टिंग्स। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो सबके लिए, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। हाँ आ जाओ। हाँ, क्या नाम है? वंदना पटेल। बनना? वंदना पटेल। वंदना पटेल, और आपका? पूजा। और आप? पिंकी। पिंकी, पूजा, वंदना, तीनों के तीनों सामने यहाँ पे देखो कितना प्यारा चेहरा है और खड़ी हैं तीनों। और आप तीनों के लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, आप लोग मुझे बताइए कि देखो आउट ऑफ सिलेबस मैं पूछ रहा हूँ पर आंसर बताने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोगों का ही डिमांड था कि नहीं हमें हिस्ट्री से क्वेश्चन किया जाए, राइट? ओके। हाँ, तो क्वेश्चन है, आप बताओ कि किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? गौहर, ठीक है, अली गौहर। आप बताओ, शाह आलम या फिर बहादुर शाह? बहादुर शाह। नहीं, बहादुर शाह। बिल्कुल गलत। शाह आलम। शाह आलम। शाह आलम। शाह आलम। और जोर से बोलो एक बार। अच्छा, शाह आलम। शाह आलम। शाह आलम। शर्माओ मत, है ना, बेहिचक बोलो, बिल्कुल सही आंसर है ना, क्लैपिंग करो तीनों लोगों के लिए। काहे हम आगे नहीं आए? अरे अरे अरे, तीनों तीनों स्वेटर पहनी है, खड़े हो जाओ, लाल लाल चमक रही है, अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन पूछें? यस सर। काहे पूछें? जरूर पूछिए। चलो पूछ लेते हैं, आप मुझे बताओ कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला था या फिर मीर कासिम था? सिराजुद्दौला। बिल्कुल सही, और आप बताओ क्या सही है? हाँ सही है भाई, बिल्कुल सही है, क्लैपिंग कर दो। सर आर्ट का भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। आर्ट का? ये आर्ट ही, अच्छा आर्ट कला वाला। हाँ तो उसमें क्या पूछें? वही तो मैं। हाँ पूछ लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, आप बताओ कि मेरा तस्वीर बनाने में आपको कितना समय लगेगा? बेइज्जती कर दी है, बताओ बना लोगे? नहीं बना तो नहीं पाएंगे आप। बनाना शुरू करोगे लेकिन कुछ और ही बन जाएंगे हम, इंसान के जानवर बन जाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं। ये बोल रही लड़की बन सकते हैं। हाँ लड़की से ही मिलता जुलता लगता है। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, हमारा आवाज लड़की की तरह बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं बेटा? यस सर। चोरी चोरा हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 22 फरवरी 1919 में हुआ था या 21 में हुआ था या 22 में हुआ था? 1922 में था या 21 में था? 22 में है ना। 1919 में कौन सी ऐसी बड़ी घटना घटी थी? जलियांवाला। वो कब हुआ था? 1919 में 13 अप्रैल 1919 में। हाँ अच्छा, हमारे जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे उनको फांसी हुई थी, याद है? कौन सा डेट था वो, कब हुआ था फांसी डेट? ये नहीं पता। नहीं, जितने लोग देख रहे हैं आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी को जो फांसी हुई थी वो कब हुई थी? जितने लोग देख रहे हैं प्लीज आप लोग आंसर करिए। हाँ रे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या नाम है? पारो। पारो, अरे वाह। और आपका? दीपू। अनीता। नेहा। बताइए जोर से। सानिया। सानिया। नथनिया आपका कहाँ है?
चलो क्वेश्चन भाई, सानिया सानिया आप सभी बहुत प्यारे हो, लेकिन क्वेश्चन भी अच्छा है ना, आंसर देने की कोशिश करना। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था, बताओ कहाँ दिया था, वाराणसी में दिया था या फिर बम्बई में दिया था? वाराणसी में। वाराणसी में दिया था? हाँ। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो। तो नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था बेटा, आप बताओ? 1930 ईस्वी में। बहुत सही, 1930 ईस्वी में हुआ था ना? यस सर। इन बच्चों के लिए मैं क्लैपिंग कर दूं एक बार, बहुत बढ़िया। बताओ चारों लोग बहुत स्मार्ट हो और बहुत आंसर अच्छे अच्छे आंसर कर रहे हो। Yes, बिल्कुल सही आंसर, भले ही सूखे जा रहे हो, मुंह सूखा जा रहा है सुबह से एक ही बार खाना खा के और टिफिन लेकर नहीं आए, लाते हैं आए थे लेकर, तो एक टिफिन में पेट नहीं भरता तो चार टिफिन लाओ। नहीं लेकिन ऐसे ऐसे बिल्कुल सूखे हो मत, है ना, खाओ पियो मस्त रहो। अब बताओ कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर अश्विनी जी ने? सुभाष चंद्र बोस ने। ये अश्विनी कौन था? आप। मैंने अपने नाम के सामने जी लगाया ताकि आप नहीं पकड़ पाओ, लेकिन आप तो पकड़ लिए हैं। चलो बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो, बैठ जाओ। अगली बार से आवाज बदल के आऊंगा, मैं चूना लगाऊंगा गले में। लड़की बनना है? अरे बाप रे, खड़ा हो जा बहना। क्या नाम है? माय नेम इज अमीषा पटेल। अमीषा, और आपका? गुलबानो शिवानी। सुषमा शिवानी, गुलबानो, अमीषा, है ना। Yes, चलो आप सबके लिए, चारों लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, जो कि यूपीएससी आरआरबी वगैरह में पूछा भी गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2008 में पूछा गया था आपके। बताइए मुझे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी या फिर अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम, दादा भाई अमर, उनके चक्कर में पड़ गए, यही होगा। सही आंसर बता रहे थे अबुल कलाम। हाँ। आजाद। आजाद। हाँ। अपने मन का सुनो, है ना, अंतर मन का, ये सब बाकी सब मोह माया है। जितने लोग देख रहे हैं आप लोग कमेंट करिएगा कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ। एकदम लड़की जैसे। अरे लड़की की तरह बता रहे हो, मतलब दाढ़ी, मतलब दाढ़ी वाढ़ी ज़्यादा बढ़ा लूँ मैं, मतलब लड़कियों को थोड़ी दाढ़ी होता है।